फ्रेंड्स, एक और न्यू वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज हम लोग इसे एडिट करना सीखते हैं। तो चलिए देखिए, मेरा काइंड मास्टर ओपन हो गया, ठीक है। तो काइंड मास्टर ओपन होने के बाद जाएंगे क्रिएटिव में, ठीक है। क्रिएटिव में जाने के बाद हम लोग यहाँ से सबसे नीचे के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और नीचे के नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा इम्पोर्ट प्रोजेक्ट। हम लोग सिंपली इम्पोर्ट प्रोजेक्ट पे इस तरह से क्लिक कर देंगे। इम्पोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ डाउनलोड में चले जाएंगे, ठीक है। मैं डाउनलोड में इसलिए जाने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं जो भी प्रोजेक्ट दूंगा आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड में ही जाता है। तो डाउनलोड में यहाँ से ले लीजिएगा मुझे लाख समझा या डिल मेरे, ठीक है। तो मैं इस तरह से इस पर क्लिक करूँगा, कुछ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। अगर आप लोग पहली बार ओपन कीजिएगा तो कुछ डाउनलोड का ऑप्शन देगा, तो आप लोग वहाँ ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ऊपर ऑप्शन देगा, राइट साइड में ऑल पे क्लिक करिएगा, सारे डाउनलोड हो जाएगा, ऑटोमेटिक कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें सारे फोटो लगा दिया हूँ, बस इसमें क्या करना है आप लोग के, अगर अपना फोटो डालना चाहते हैं तो यहाँ से अपना फोटो लगा सकते हैं, ठीक है। ये राउंड वाला वीडियो रहने दीजिएगा, आप लोग यहाँ से सिर्फ फोटो एक्सचेंज कर लीजिएगा। तो फोटो एक्सचेंज करने के लिए कुछ नहीं, बस डबल उंगली के साथ इस तरह से जूम कीजिएगा, और जूम करने के बाद बस इस वाले फोटो पे क्लिक करेंगे। और फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से चल जाएगा मीडिया में, और मीडिया में जाने के बाद जहाँ भी आपका गैलरी में इमेज होगा वहाँ से आप लोग एक इमेज लगा लीजिएगा। जैसे कि मैं इस इमेज को रिप्लेस करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ में एक और कोई इमेज लगा देता हूँ, जैसे ये वाला इमेज लगा दिया, ठीक है। और देख लीजिए इस तरह से सारे इमेज एक्सचेंज कर लीजिएगा, जहाँ भी इमेज आप लोग एक्सचेंज करना चाहते हैं। बस राउंड वाली वीडियो सोच लीजिएगा, ये राउंड वाले वीडियो है, ठीक है। तो इस तरह से बस जो भी फोटो रिप्लेस करना चाहते हैं बस सारे फोटो इस तरह से रिप्लेस कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से बस बस जूम करना, जूम करने के बाद बस फोटो पे क्लिक करना। फोटो पे क्लिक करने के बाद आप लोग बस यहाँ चल जाना मीडिया में, और मीडिया में जाने के बाद जिस जहाँ भी आपका गैलरी में इमेज होगा या जिस इमेज से आप लोग स्टेटस बनाना चाहते हैं उसी इमेज यहाँ से बस सेलेक्ट कर लीजिएगा। बस इस तरह से सेलेक्ट करना, रिप्लेस करना जहाँ भी आपका गैलरी में इमेज होगा। देख लीजिए कुछ इस तरह आप लोग सेलेक्ट कर बना सकते हैं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग को एक बार वीडियो दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का वीडियो दिखेगा, एक बार फाइनली वीडियो आप लोग देख। हाँ, तो देखिए इस तरह का वीडियो दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसे अब सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए जो ऊपर जो शेयर वाला ऑप्शन है, शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करने वाले यहाँ से आप रिजर्वेशन जितना रखना चाहते उतना रख लीजिएगा। यहाँ से 60 फ्रेम रेट 60 रखिएगा, 30 रखिएगा, जो जितना भी रखना चाहते उतना पे रख के यहाँ पे हम लोग सेव पे क्लिक कर देंगे तो वीडियो सेव हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।